अगर किसी स्टूडेंट को नीट JEE और CET के एंट्रेंस में अच्छा परफॉर्म करना है तो उसे दो चीज़ों पर ध्यान देना होगा। पहला, उसके सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, उसे प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी करनी होगी। वसीम सर ट्यूटोरियल्स में हम आपको एक प्रॉपर स्टडी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपकी दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, साथ ही साथ आपको अच्छे टीचर्स, स्टडी स्पेस और लाइब्रेरी जैसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएगी। 90% स्टूडेंट जो घर पे सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं और सोशल मीडिया, गेमिंग जैसे चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, उनके लिए इस तरह का स्टडी एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। सभी स्टैंडर्ड के एडमिशन्स ओपन हैं, अभी कॉन्टैक्ट करें एडमिशन्स के लिए दिए गए नंबर पर। थाने के वर्तक नगर में पबजी खेलने पर से युवकों के दो गुटों में हुआ विवाद। नाबालिग और बालिग युवकों ने मिलकर कर दी एक युवक की हत्या। परिवार वालों ने आरोपी युवक पर बोला पुलिस स्टेशन में ही हमला। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 28 फरवरी सोमवार को थाने के वर्तक नगर परिसर में एक वारदात हुई है और वारदात हुई है युवकों के दो गुटों में। पबजी गेम खेलने का जो फिलहाल नशा चढ़ा हुआ है और ग्रुप बना करके एक दूसरों की टीमों को हराने का इसमें जो खेल चलता है, ये कहीं ना कहीं अना या ईगो का मसला बन जाता है। उसी के चलते लगभग जनवरी माह के अंत से मृतक साहिल यादव और हत्या आरोपी राहुल गायकवाड़, इनके बीच विवाद चल रहा था। पहले भी पुलिस में एक शिकायत दर्ज हुई लेकिन वर्तक नगर पुलिस स्टेशन ने इस शिकायत को नॉन कॉग्निजेबल, असंज्ञेय अपराध के तौर पर लिया। अगर उसी वक्त वर्तक नगर पुलिस स्टेशन इस मामले में संजीदगी से काम करती तो शायद आज साहिल की हत्या नहीं हुई होती। किस तरीके से यहां पर पूरा मामला हुआ है उसकी जानकारी दी गई है हमें मृतक साहिल के मामा द्वारा, संतोष द्वारा। तो संतोष ने पूरी जानकारी दी है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं हत्या के बाद इस पूरे मामले में स्थानीय समाज सेविका मनीषा पाटिल ने बड़ी भूमिका निभाई और उनके प्रयासों से आखिरकार इस परिवार की सुनवाई हुई। फिर भी परिवार का कहना है कि हत्या में लगभग 7 से 8 लोग शामिल थे मगर पुलिस ने सिर्फ 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाबालिग है, 17 साल के लड़के हैं जिन्हें जुवेनाइल कोर्ट भेजा जाएगा। एकमात्र राहुल गायकवाड़ जो है, जिसकी उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है, उसको मुख्य आरोपी बनाया गया है। तो देखिए वर्तक नगर में पबजी गेम पर से जो विवाद हुआ उसके चलते कैसे यह हत्या हुई है। क्या नाम है आपका? संतोष शंकर मुदाले। संतोष जी, ये कल जो आपके भांजे थे उनके ऊपर हमला किया गया और उनकी मृत्यु हो गई, तो ये पूरा हादसा कैसा था और ये लफड़ा कब से चल रहा था? ये मसला चालू है, ये 31 से चालू है। 31 से मसला चालू, 31 से मसला चालू है। 31 के पहले, एक 15 दिन पहले ही लोचा हुआ था जो पबजी के बारे में बता रहे थे, पबजी के ऊपर से गाली दिया और मैं इसके वजह से आया हम लोग झगड़ा करने के लिए। तो मेरे को क्या लगा किसी और का झगड़ा है, काय को झगड़ा करने देने का किसी और को भी, इसके लिए मैंने दोनों ग्रुप को भगा दिया उधर से। भगाने के बाद में मेरा भांजा उधर दिखा तो मेरे भांजे को मैंने 2 कान के नीचे चमड़ मार के उसको उधर से मैंने बोला तेरा इधर काम नहीं ना कुछ, तू इधर क्या कर रहा है, चल निकल इधर से, तेरा कुछ लेना देना नहीं ना, तू इधर से भाग। मैंने उसको भगा दिया, मेरा भांजा चुपचाप 2 चमड़ खा के मेरा घर पर चला गया। घर पर जाने के बाद में उधर मेरा इश्यू खत्म हो गया, मैं बोला अपना कुछ लेना देना ही नहीं तो क्या टेंशन लेने का। तो 31 को हम लोग एकवीरा से आए और मेरा भांजा घर पे अपने जाने के लिए वो शाम को 9:30 बजे घर पे गया, घर पे से इधर आशावरी बिल्डिंग में गया वो दोस्त के पास। ये जो तुम्हारा भांजा जिस जगह रहता है उधर का पूरा एड्रेस क्या है? ये जानका देवी नगर बोला जाता है इसको, हिंदी से चाल या जानका देवी नगर बोला जाता है। और मेरा भांजा इधर आगे रहता है, यहाँ आगे ही रहता है। हाँ, यहाँ आगे ही, यहाँ 10 रूम छोड़ के मेरे भांजे का घर है। तो कल के 31 का दिन भी उसको ऐसे ही वार के इधर आशावरी बिल्डिंग के नीचे दोस्त के घर में से निकला, उसके ऊपर वार के, उसके वार करने के बाद उसके दोस्त लोग ने वार करने में कितने टाके लगे या ऐसे मारा है? उसको टाके मेरे बहन को मालूम है, कमल 22 टाके, तभी भी 22 टाका गिरा। अच्छा, 22 टाके लगे तो FIR हुई थी? FIR नहीं हुआ, सिर्फ NC लिखी गई। 22 टाके पे NC लिखी गई और हमको क्या बोले
क्या बाली के वो लोग उनके ऊपर केस नहीं हो सकता, इसके लिए हम लोग एनसी नाबालिग है तो केस नहीं हो सकता, इसके लिए एनसी। तो अच्छा, ये कौन सी पुलिस चौकी लगती है? वर्तक नगर पुलिस स्टेशन लगता है, वर्तक नगर। तो वहाँ पर आप अपनी शिकायत दर्ज कराने गए थे तो एनसी लिख के दिया? एनसी लिख के दिया हम लोग। तो आपकी पहले की कुछ मेडिकल रिपोर्ट है उस टाइम की? है। और आगे क्या हुआ फिर पूरा? फिर वहाँ से वो लोग का आशारी बिल्डिंग के नीचे वापस उसको झगड़ा करने के बाद फिर उधर भी हम लोग ने क्या किया, बोला जान दे चल पिया खाए रहेंगे, 30 बस का दिन है तो थोड़ा बहुत 19 बिजनेस होता है, हम लोग ये सोच के हम लोग कुछ बोले नहीं। फिर माझे गणपति अभी आया था बीच में परसों के दिन, तभी भी वो लोग 2 दिन है ना मेरे भांजे को ढूंढ रहे थे। तो फिर मेरा भांजा उस दिन मेरे को उसने फ़ोन किया, मेरे को बोला मामा आ रहा है मेरे को ऐसा ऐसा हो गया, मेरे को ये लोग ढूंढ रहे ले और मेरे को मारने की कोशिश कर रहे ले। बोले काम कर तू किधर भी मेरे को आके नाके पे तू मिल। मैं नाके पे उसको मिला, मैं उसके साथ में भीमनगर आया मेरे घर पे। घर पे आने के बाद में मैं उसके एक दोस्त को फ़ोन किया, उसको बोला इधर आ मेरे घर के पास। तो उसको बोलने के बाद उसने क्या किया, मैं बोला एक काम कर तेरे दोस्त को फ़ोन कर, उसकी चर्बी ज़रा मेरे को देखने दे, पूछने दे क्या के बारे में झगड़ा कर रहा है बार बार और क्यों मार रहा है इसको बार बार। तो उसने बुलाया, बुलाने के बाद में मेरी बातचीत हो गई। तो उसका बाप बोलता है मेरे लड़के से अगर जो भी कुछ भी बोलेगा आड़ा टेढ़ा तो मेरा लड़के लोग मारेंगे, ऐसे उसके बाप ने बोला। तो मैं बोला तेरे बाप को, मैं उसके बाप को डायरेक्ट बोला कि तूने क्या लाइसेंस दिया है क्या तेरे बच्चे लोगों को? तो बोलता है फिर बराबर है, मेरे बच्चे लोग किसी को कुछ बोलते नहीं, तो मेरे बच्चे को कोई बोलेगा तो मैं उसको छोड़ेगा नहीं। बोला अच्छा ठीक है, तुम्हें बोला तेरे को क्या करने का वो बता हम लोग को। तो उस दिन उस बच्चे को भी मैं पूछा, बोला तेरा कुछ है क्या? मेरे भांजे को पूछा तेरा कुछ है क्या, आपस में तुम्हारा कुछ लफड़ा है क्या? तो बोला नहीं, मेरे का मेरे इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। फिर उधर वो लोग ने क्या बोला, ठीक है आज के बाद कुछ बोलेंगे नहीं। और परसों के कल के शाम को उसको फ़ोन करके बुला के उसको जानकार देवी में, शास्त्री नगर में पहला झगड़ा हो गया, शास्त्री नगर से फिर जानकार देवी में उसको बुलाए, जानकार देवी में उसको मारे, जानकार देवी में से वो इधर का एक अभी लेटेस्ट अभी नगर सेवक खड़ा होने वाला, भाविक नगर सेवक खड़ा होने वाला कदम करके उसने कल उसने छुड़ाया वैभव कदम ने कल उसको झगड़ा, उधर लिटी फ्लावर के इधर झगड़ा चालू था, तभी मार रहे थे मेरे भांजे को, अकेले को 6-7 जन थे और चमाट पे चमाट दे रहे थे। तो उसने उधर छुड़ाया तो मेरा भांजा वहाँ से भाग के सीधा ऐसा आया ना तो इधर बैठा, मतलब किधर से तुम्हारा भांजा भागते हुए इधर से सामने से ऐसा मेरा भांजा, हाँ ये सामने से भागते हुए, हाँ और फिर भाग के आके डर के मारे बैठ गया, इधर डर के मारे बैठ गया। अच्छा ये इधर बैठ गया, ये स्पॉट ये सीढ़ी पे बैठे लगा मेरा भांजा। अच्छा, ये सीढ़ी पे बैठने के बाद मेरे भांजे के ऊपर वो लोग डायरेक्ट वहाँ से भागते आए सब जन 7-8 जन और डायरेक्ट उसके ऊपर सामान घुसाना चालू कर दी। क्या क्या था उन लोगों के? सबके हाथ में चॉपर ऐसा गुप्ती जैसे तलवारी थे, ऐसा बहुत सारे हथियार थे जो हम लोग कभी देखा नहीं। तो ये लोगों के नाम क्या है? नाम तो तीनों जन का नाम मुझे मालूम है और बाकी के 5-6 जन का मालूम नहीं बना। जितने 8 जन में से किसी को जानते नहीं हो? जानते। नाम क्या है उन लोगों? एक का नाम है राहुल गायकवाड़ और दूसरे का नाम है क्या है प्रणय माली और गौरव और उसका सरनेम नहीं मालूम पर उसको टोपन में कोयत्या बोला जाते है उसका नाम उर्फ कोयते उर्फ कोयत्या। तो उसने इधर आके उसके दोस्तों के साथ में मेरे 8 जन ने हमला किया, हाँ 8 जन ने हमला किया और मेरे ये कितने बजे हुआ ये? 8:30 बजे का टाइमिंग है, 8:30 हाँ 8:30 बजे का टाइमिंग है। मेरे भांजे को इधर जगह पे ऑन द स्पॉट लोगों ने जगह पे मार डाला। अच्छा, तो जब यहाँ हादसा हुआ इसके बाद घटना स्थल पे पुलिस कितने बजे पहुँची? पुलिस इधर रात को 10:30 या 10:30 11 बजे के आसपास इधर आई। हाँ, जब हम लोग कलवा हॉस्पिटल में गए, जब कलवा हॉस्पिटल में मृत्यु घोषित की है तो फिर उधर से बताया गया तो फिर हम लोग को बोले सिविल में लेके जाओ। तुम्हारे भांजे का नाम क्या है? साहिल बबन जादव। साहिल बबन जादव। अच्छा, ये अभी कल जब आपने ये हो गया मृत घोषित करने के बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया अभी तक? एक्शन कुछ नहीं लिया, बोले हम लोग ने 3 जन को पकड़ा है और 3 जन वो लोग ने बोले ले हमको क्या हमने गुनाह किया ले हम लोग ने मारे ले करके। और तो उनको पुलिस लोग ने पूछा काय के वजह से तुम्हारा झगड़ा हो गया, तो वो लोग ने बोले क्या हमारा झगड़ा पबजी के वजह से हुआ है।
पबजी की वजह से ये झगड़ा चल रहा था 31st से। ऐसा बोला ना 31st से, इसलिए बोले पबजी की वजह से हमारा झगड़ा, मतलब जैसे आपने पहले बताया वार किया गया वो 31st के दिए और फिर कल तलवार और इससे वार किया गया। फिर आगे क्या हुआ? अभी कितने जन अरेस्ट हुए? अभी 3 जन अरेस्ट। ये तीनों जन के नाम क्या है? तीनों जन का नाम है योगेश माली, योगेश प्रणय माली और एक गौरव और एक राहुल गायकवाड़। ये 3 जन को अरेस्ट किया है, बाकी के 4-5 जन बाकी के लोग फरार है। और वो लोग बोलते हैं क्या, सिर्फ ये 3 ही जन थे और हम लोग ये तीनों के ऊपर ही केस डालते हैं। अच्छा, अगर पुलिस का कहना कैसा है? ये 3 ही जन थे। 3 ही जन और यहाँ लोगों ने देखा 8 जन ने वहाँ बहुत जन थे। यहाँ तो लोगों ने बहुत जन को देखा, पर अपन 8 जन का ही सिर्फ नाम दे रहे थे क्योंकि जितना पब्लिक को दिखी है नज़र में। तो मतलब कहीं ना कहीं इस केस को पुलिस ढीला कर रही है, मतलब पूरी बिक गई है पुलिस। तो इस केस का आयो कौन है? इस केस का आयो चौधरी साहब है। चौधरी साहब, जो चौधरी साहब ने क्या कहा? ये 3 ही जन थे। 3 ही जन ही थे ऐसे बोले चौधरी साहब ने। चौधरी साहब बोले क्या, बालिक है और उनको अपन है ना जैसा हो सके अपन उनको तो लटकाएंगे जरूर, पर तुम टेंशन मत लो, तुमको न्याय मिलेगा, ऐसा बोले। और बाकी वो लोग ऑप्शन कुछ नहीं दे रहे हमको, सवेरे से ना कुछ बताया ना कुछ नहीं, हमारा कुछ लिखा पढ़ी किए नहीं, थोड़ा सा लिखा पढ़ी ले लिया जो माँ को उसके पूछे कैसा हुआ क्या हुआ, सिर्फ इतना लेके उसकी सही किए कि उसको रात को भगा रहे थे चौकी में से। बाद में हम लोग के सामने तीसरा आरोपी को जब पकड़ के लेके आए, जब हम लोग ने हल्ला किया उसके ऊपर, तब जाके वो लोग ने हमारा किधर FIR भी दर्ज किया और हमारा फटाफट FIR। कितने बजे रात को? रात को FIR 2:30 बजे FIR दर्ज किए वो लोग ने, जब हम लोग ने हल्ला किया आरोपी के ऊपर। हम लोग ने सब परिवार ने, हमारा पूरा परिवार ने मारे उसको चौकी में, तब जाके वो लोग ने फटाफट लिखना पढ़ना चालू कर दिए और हमारा फटाफट सही भी लेके हम लोग को बोले आरोपी के ऊपर 302 का कलम लगा दिए। सिर्फ 302 का कलम लगाया है, बस दूसरा कुछ कलम ही नहीं उसके ऊपर, बल्कि 302 सिर्फ 302 का कलम लगाया है। बल्कि उस झगड़े में नहीं नहीं बोलेगा तो 3 से 4 कलम बैठते, एक 302, एक 456, एक 445, 326 भी बैठते हैं, 307 भी बैठते हैं, फिर भी उन लोगों ने कौन से ही कलम नहीं लगा के सिर्फ एक ही कलम लगाए। अभी हमें पता लगा है ये लोग पुलिस आपकी कार्रवाई नहीं ले रही थी, सोशल वर्कर मनीषा ताई उन्होंने मतलब आपका साथ दिया और इस FIR को रजिस्टर किया। उन्होंने बोला कि तुम हमको पहला अरेस्ट करो वो लड़के लोगों को और हमारा केस भी तुम फाइल करो, तब उन्होंने जाके किधर सुने थोड़ा सा तो भी हमको ढीले में छोड़ रहे थे। बाद में हमने जब पेशरिस्ट दिखाया हमारा थोड़ा सा, तभी वो लोग ने हमारा थोड़ा बहुत सुना और हमको जब कोऑपरेट किया वो लोग ने, और फिर भी कोऑपरेट करने के बाद में हमको तो ऐसा लग रहा है वो लोग ने पूरा अधूरा ही कोऑपरेट किया, हमको पूरा तरफ से कोऑपरेट नहीं किया है। मतलब कहीं ना कहीं से पुलिस मिली हुई मतलब यानी लोगों को बचाने की कोशिश। वर्तक नगर पुलिस ऐसी नीचे गिरी हुई है क्या, उनका कुछ भी लायक ही नहीं है वो वर्तक नगर पॉलिटिशियन की। थाना कमिश्नर जयदीप सिंह सर को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ उनको क्या, उन्होंने अपने वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में जरा आके देखे, उनके हाथी की जो पुलिस स्टेशन है उधर आके वहाँ का हाल देखे, वहाँ के पब्लिक वहाँ के जो एरिया में की जो रहती है जो जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए, उनको पूछा जाए एक बार कि यहाँ पे तुम्हारा कंप्लेंट नोंद किया जाता है, तुमको न्याय मिला जाता है क्या नहीं मिला जाता है। आधा घंटा तुम आदमी को सामने वाले को बिठाते हो और जब सामने वाला जब आता है केस करने के लिए उसको भिंडी बोलते हैं हम लोग ने बिठा दिया आरोपी को, तुम टेंशन मत लो तुम जाओ घर पे। आज यहाँ से आरोपी के जो कंप्लेंट करने के लिए आते हैं उनको यहाँ से भेजते और आरोपी को वहाँ से भेजते, शट आउट हो जाता है आरोपी भी घर पे और जो झगड़ा मार खाता है वो भी घर पे, वो फुकट मार खा के घर पे। मतलब इसमें पूरी तरह जो 31st को ही एक्शन हो जाता। हाँ, तो आज इतना आज ये नहीं होता, नहीं होता और ये तो 100% नहीं होता। अगर 31st को ये लोग ने अगर थोड़ा सा तो एक 50% तो भी ऑप्शन लेता ना तो भी नहीं होता ये, और वो टाइम पे उन्होंने हल्का छोड़ दिया एकदम। Thank you.
शासन सुव्यवस्था तुमच्या हातात आहे, भले आम्ही पालक मुलाचे पालक कुठेतरी कमी पडत असतील, परंतु कायदा बोर्डाचा अधिकार कुणी घेतला आता असं तुम्ही करणार पण नाही, आम्ही करू देणार नाही, आम्ही तशी परिस्थिती आणणार असं कुणीतरी तुमच्या पोलीस स्टेशन मधून असं जर बोलत असेल, असं जर बोलत असेल पालक म्हणून तुम्ही कमी पडलात, तर सत्यवेळेला पालक कमी नाही पडू शकत हो, चूक असेल मान्य आहे, जनता अडाणी आहे, लोक शिकलेली नाही आहे, पण दोष त्यांचाच प्रत्येक वेळेला असतो असं नाही ठेवू शकत काही कामात जातो तो, ह्या बायका भांडी धुली करतात, घरी खायला अन्न नसतं, मग पालकांनी काय घरी बसायचं काय, असं पोलीस स्टेशनमधून उत्तर नाही अपेक्षित आम्हाला, ही पालक म्हणून तुम्ही कमी पडलात काय अवस्था आहे ती करा, पण आता आमचा मुलगा भेटणार नाही आहे आम्हाला, काय नाही तो मुलगा पाहिजे हातात, आमचा मुलगा आता भेटणार नाही आम्हाला.